इंफॉर्मेशन बाहर है और इससे पहले मैं शुरू करूं मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आज आज आपके बीच में यहां खड़ा होना डिजर्व नहीं करता और मैं इसके योग्य नहीं हूं। लेकिन इससे पहले मैं अपनी गवाही में जाऊं, मैं आपको 2014 के बारे में बताना चाहता हूं जो मेरे जीवन में हमारे जीवन में उस टाइम पे हुआ और किस वजह से हमने अपने म्यूजिक को परमेश्वर के हाथों में दिया। 2014 की बात है, हम लखनऊ शहर से ऑडिशन दे के पहली बार दिल्ली आए थे और इंडियाज़ गॉट टैलेंट में हमारा ऑडिशन यहीं से हुआ और अराउंड इंडिया के 120 बैंड में से हम टॉप 10 में आके यहाँ से मुंबई गए थे और मुंबई के ऑडिशन में जाने के बाद हमने लगातार 3 राउंड क्लियर करे और क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे और हर बार मैं अपने रैप में प्रभु का नाम ले रहा था और गॉस्पल कर रहा था। लेकिन क्वार्टर फाइनल राउंड की जब शूटिंग चल रही थी उस टाइम शो के प्रोड्यूसर्स ने मुझसे कहा कि आप वो स्पेसिफिकली सिंगर हैं, आप में से बहुत लोगों को जानते हैं, उनका नाम हनी सिंह है, स्पेसिफिकली उनका गीत गाने के लिए कहा। मैंने उनसे मना किया, मैंने कहा ये मेरे विश्वास के मेरे कन्विक्शन के खिलाफ है और मैं नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे बार बार इस चीज के लिए जबरदस्ती करी और बोला आपको ये गाना पड़ेगा क्योंकि शो की टीआरपी की ये मांग है। मैंने अपने पिता को कॉल किया रोते हुए, मेरे पिता एक पासवान है और मैंने उनसे बताया मेरे साथ ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। मेरे पिता ने मुझसे बस एक बात बोली कि बेटा तुम्हारा दिल जानता है और तुम जानते हो, परमेश्वर से प्रार्थना करो तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। मैंने कहा पापा मुझे आंसर पता है। हम लोगों ने पहली बार वहां पे ना किया जजेस करण जौहर क्योंकि हम लोग बहुत फेवरेट्स थे अपने एक्ट की वजह से। आप देखेंगे हम लोग क्या एक्ट करते हैं। करण जौहर और मलाइका अरोड़ा ने पर्सनली आके हमें समझाया और बोला आप क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा हम अपने फेथ से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। उन्होंने कहा ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये कॉर्पोरेशन है, आप कोऑपरेट करने की कोशिश करिए, आप फाइनल राउंड में जाके अपना गीत गा सकते हैं और आप किसी को भी थैंक कर सकते हैं। इस बार ये गाना अभी ट्रेंड में चल रहा है, बस गाने का नाम नहीं लेना चाहता, इसे गा दीजिए। हमने नहीं माना, हमने मना किया। शो के प्रोड्यूसर बहुत बड़े गुरु आनंद तिवारी जी जो सोनू निगम और सोनीति चौहान के गुरु रह चुके हैं, उनसे हमारी बहस हो गई और उन्होंने हमको उस दिन शो से डिस्क्वालीफाई कर दिया और क्वार्टर फाइनल इंडिया गॉट टैलेंट से हमें निकाल दिया गया। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मुझे उस दिन का एक बूंद भी कम नहीं है क्योंकि अगर आज उस दिन मैं परमेश्वर के लिए और अपने परमेश्वर के विश्वास के लिए या अपने जीवन के लिए ना नहीं बोलता तो आज मैं आज आपके बीच में यहां खड़ा नहीं होता। हमारा परमेश्वर आपके जीवन के सारे बलिदानों को, सारे त्यागों को और छोटा बड़ा जो कुछ भी आप उसके लिए छोड़ रहे हैं हर एक चीज पे अपनी नजर रखे हुआ है। हेलो। और आप जो भी परमेश्वर के लिए छोड़ते हैं प्रभु आपको आदर देता है। हा? 4 साल से ज्यादा नहीं हुए हैं मुझे वापस अपनी म्यूजिक शुरू किए हुए। प्रभु ने उसी बच्चे को 80 से ज्यादा शहरों में जाने का मौका दिया और 4 देशों में जाने का मौका दिया है क्योंकि हमारा प्रभु महान है। अगर मैं उस दिन ये मान लेता और दुनियादी गाने गा देता तो शायद मुझे नाम शौहरत और पैसा तो मिल जाता पर मैं अपनी स्वर्गीय विरासत को खो देता।